स्टार पवन सिंह ने अपना दमखम छठ गीतों पर भी दिखा दिया है। जी हाँ, आज ट्रेंडिंग में अगर आप नज़र डालेंगे तो छठ गीतों की भरमार है, और उसमें से भी मेन ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा अगर किसी के गाने ट्रेंड कर रहे हैं तो वो पवन सिंह के। जी हाँ, पवन सिंह के इस बार 3 छठ गीत आए, तीनों के तीनों मेन ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ ये बता देते हैं कि 1, 2 की पोजिशन पर फिर से पवन सिंह आ गए। वैसे इसमें बड़ी उठापटक है, अगर आप कुछ समय पहले देखेंगे तो वो जो गाना आपको 1 पे दिख रहा होगा वो 2 पे भी दिखता है, और फिर उसकी पोजीशन चेंज होके 9, 10 पर भी आ जाती है। तो ये बड़ा उलटफेर हो रहा है ट्रेंडिंग में, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि पावर स्टार पवन सिंह के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पुराने गाने जो हैं वो भी ट्रेंड कर रहे हैं। तो भाई, जो भी ये कह रहे हों, इस बार किसी और के गानों ने धमाल मचाया। तो हम आपको बता दें कि इस बार भोजपुरिया जहां के गानों ने धमाल मचाया, फिर क्या पवन, क्या खेसारी, क्या रितेश पांडे और अरविंद अकेला कल्लू, सभी के गानों ने ट्रेंडिंग में जगह बनाई है और पूरा छठमय माहौल हो गया है ट्रेंडिंग का। तो खैर, अभी फिलहाल के लिए ये गर्व करने की बात है कि नवरात्र के बाद पवन सिंह के छठ गीतों ने भी बहुत तगड़ी पॉइंट बनाई है। भले ही लोग ये कह रहे थे कि छठ गीतों में वो दम नहीं है, लेकिन आप किसी की मत सुनिए, सिर्फ आप पावर स्टार पवन सिंह के आवाज़ के दम को देखिए। हाँ, ये बात होती है लोगों में कि किसका गाना सबसे बेहतर है, तो भाई हम यहाँ ये ज़रूर कहेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह के गानों ने जो जगह बनाई है दिलों में सभी के, लगातार पहली बार पावर स्टार पवन सिंह के इतने सारे गाने एक साथ ट्रेंडिंग के में आए हैं, और वो भी सबसे बड़ी बात है मेन ट्रेंडिंग में आए हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।